हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। एक्चुअली ये वीडियो आज 4 महीने बाद बन रही है, सो ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न वीडियो में नहीं बना पाया। तो अभी कोशिश करूँगा कि अच्छी नॉलेज बढ़ा दे सको आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में कार्गो ट्रैकिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो आपको लगता है कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स देना है, BL देना है, ये चीज़ें प्रोवाइड करना है, बट आपको इम्पोर्टर को भी गाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बनाए तो वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आता है कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया कंटेनर, और ऐसा हो जाए कि बायर को पता ही नहीं कि कब कंटेनर छुड़वाना है, या तो आपने उसको अराइवल डेट ही नहीं बताया। मेजर टाइम अराइवल डेट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो फॉलोअप लेता है ना बायर को, आपके साथ जो एक्सपोर्टर, उससे फॉलोअप लेना होता है कि कब तक कंसाइनमेंट पहुँचने वाला है। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट, अगर वो आपसे फॉलोअप नहीं लेता है देन ही हैज़ टू कम्युनिकेट विथ उसका जो CHA होता है या तो फ्रेट फॉरवर्ड होता है, तो उनसे फॉलोअप लेना होता है। जब कोई न्यू इम्पोर्टर होता है ना, वो आपको आपसे पूछ सकता है कि अराइवल कार्गो अराइवल नोटिस कब तक मिलेगा। सो आप उनकी ईमेल आईडी भी दे सकते हो, सो दैट शिपिंग लाइन उनको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, तो आपका वो प्रॉब्लम होता है ना कम्युनिकेशन करने का, आपको इतना टेंशन नहीं, बट आप उनको फॉलोअप कर सकते हो, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा आपके साथ, तो आप एक दूसरे की मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी सेकेंड चीज़ इसमें क्या आता है कि सपोज करो कि कार्गो आपका फाइनल डेस्टिनेशन, जिस भी कंट्री में आपने एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। ठीक, बट वहाँ पे होता क्या है कि डेस्टिनेशन पे पहुँच गया बट कस्टम ने क्या कर दिया कि वो जितना भी कार्गो है वो नियर बाय फ्रेट स्टेशन होता है। ठीक है, या तो एयरपोर्ट का, तो एयरपोर्ट नियर बाय एयरपोर्ट पे वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो अब जितने दिन वहाँ पे रखा जाएगा फ्रेट स्टेशन पे, तो उसका ड्यूमेरेजेस चार्जेस एंड डिटेंशन चार्जेस आपको पे करना पड़ता है आपके इम्पोर्टर को। सो ये चीज़ अवेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब कस्टम क्या करता है इस केस में कि एक फ्री टाइम देता है ना, फ्री टाइम, तो उस टाइम के दौरान अगर रिलीज नहीं किया फिर वो ऑक्शन में डालता है। वो डिपेंड करता है कि किस कंट्री से आप मतलब किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब बायर किस कंट्री में। ठीक है, अब वो कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, जब आपका कंटेनर फ्रेट स्टेशन में होगा या तो वेयर हाउसेस में होगा, तो वहाँ का रेंट पे करना पड़ेगा बायर को जब वो रिलीज करेगा। ठीक है, मेजोरिटी केस में जब आपका कंटेनर किसी कंट्री में पहुँचता है, इम्पोर्टर के कंट्री में पहुँचता है, सो वहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिलीज करवाना पड़ता है। मैं डिटेंशन टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपको कंटेनर 14 डेज के लिए आप फ्री में रखवा सकते हो, 7 डेज, 10 डेज, डिपेंड करता है कौन सा शिपिंग लाइन है, आप रिक्वेस्ट करके 14 डेज के लिए इंपोर्टर के कंट्री में कंटेनर फ्री में विदाउट एनी चार्जेस आपको 14 डेज आप फ्री करवा सकते हो। बट वो 14 डेज का कंटेनर का चार्जेस फ्री है, बट हर कंट्री के मेजोरिटी 2 से 3 दिन में आपको रिलीज करवाना पड़ता है आपका कंटेनर इंपोर्टर के बाद, आप अपने कस्टडी में लेके जाओ। बट अगर 2 से 3 दिन के अंदर कस्टम में नहीं रखा है, फिर वहाँ पे प्रोसेस शुरू होता है बाकी का, राइट। अब इसके अलावा क्या होता है कि जब हम BL देते हैं, बिल ऑफ लैंडिंग, तो उस कंट्री में बिल ऑफ एंट्री मानते हैं, राइट। तो बिल ऑफ एंट्री आपको फिल करना पड़ता है, वो कौन करता है, CHA करता है इंपोर्टर के बिहाफ पे। जब CHA कंसाइनमेंट छुड़वाता है तो उसको वो सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, इसलिए हम ट्रैकिंग आईडी देते हैं, सो दैट उनको पता चले कि इस दिन को कंटेनर अराइव होने वाला है, सो उसके 2 से 3 दिन के अंदर वो बिल ऑफ एंट्री वगैरह सारा करा के कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मेन तो ये होता है कि क्लाइंट को ये पता होता है कि कंटेनर आया, उसको आपको 2 से 3 दिन में उसको छुड़वाना है, कस्टम क्लियरेंस करवाना है, एंड 10 डेज 14 डेज के अंदर आपका फ्री कंटेनर मिलता है, तो सारा बायर का लुकआउट है। बट वी हैव टू गाइड देम कि ऐसा ना हो कि हमने उनको बताया नहीं, वहाँ पे उनको लाइक डिमरेज चार्जेस लग रहे हैं और बाकी के चार्जेस लग रहे हैं, एंड डिटेंशन चार्जेस जो होते हैं आपके, और उसके बाद कंसाइनमेंट वो छुड़वा ही नहीं पाया, या तो इतना हैवी चार्जेस लगे कि वो रिफ्यूज ही कर दे कि अब मुझे नहीं करना है, तो आपको इस चीज़ों से बचना है। ठीक, तो इस चीज़ के लिए हम कंसाइनमेंट का ट्रैकिंग और प्रॉपर फॉलोअप लेते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। कुछ भी नहीं समझ आएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है, पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो, सीख सकते हो कैसे क्या, तो जहाँ पे मैं अपने पर्सनल लाइक रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आपको शो करवाता हूँ। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।